सो गाइस यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक स्मार्ट वीडियो को कैसे शूट करते हैं, किस प्रकार से हमको अपनी वीडियो को क्रिएट करना चाहिए जिससे जो हमारी ऑडियंस है शुरू से आखिर तक बनी रहे। तो दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं या दोस्तों आप एक फेस कैम वीडियो बनाते हैं या अगर आपका एक टैग कैटेगरी का चैनल है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको सारा कुछ बता देते हैं कि एक स्पेशल वीडियो किस प्रकार से शूट की जाती है, किस प्रकार से इंट्रो बनाया जाता है और किस प्रकार से बीच का जो पार्ट होता है उसको बनाया जाता है और किस प्रकार से आपको एंड का पार्ट बनाया जाता है। तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप एक यूट्यूबर हो। अगर दोस्तों आप इंट्रो और अपनी वीडियो को बेस्ट क्वालिटी में नहीं बना पाएंगे तो आपकी जो ऑडियंस है वो आपकी वीडियो को वॉच नहीं करेगी, ना ही दोस्तों उस पर जब आपका वॉच टाइम अच्छा खासा नहीं आएगा, इसलिए दोस्तों आपकी जो वीडियो है वो वहीं पर रहेगी और अच्छी खासी परफॉर्मेंस नहीं करेगी। तो अगर आप एक यूट्यूबर हो तो ये वीडियो आपको एंड तक देख लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपसे छोटी सी प्रोमिस है, अगर इस चैनल पर अभी नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पर सेट कर देना जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अभी की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक स्पेशल वीडियो या बेस्ट क्वालिटी में वीडियो बनाने के लिए हमको सबसे पहले अपना इंट्रो देना होता है कि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि YouTube चैनल किस प्रकार से क्रिएट करते हैं, कि YouTube चैनल पर किस प्रकार से हम अपने चैनल को सर्च में लाते हैं या टैग किस प्रकार से लगाते हैं। तो शुरुआत में आपको यह सारा कुछ बता देना है, उसके बाद की बात करें तो आपको मेन टॉपिक रखना है। पहले सिर्फ आपको 40 सेकंड का इंट्रो बना देना है कि आज के इस वीडियो में आपको क्या बताने वाले हैं। 40 सेकंड के बाद आपको अपना मेन टॉपिक ले आना है कि किस प्रकार से YouTube चैनल को क्रिएट किया जाता है। तो दोस्तों, ये मेन का पार्ट हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों आपने सारा कुछ बीच में आप बता ही देंगे कि किस प्रकार से YouTube चैनल को क्रिएट किया जाता है, यूनिक नाम रखा जाता है, उसके बाद लोगो लगाया जाता है, जो भी कुछ हो आपका जो टॉपिक है वो बीच में आ जाना चाहिए। उसके बाद की बात करें तो लास्ट में क्या देना चाहिए। दोस्तों, जब हमारा टॉपिक एंड हो जाता है, जैसा कि कोई भी टॉपिक के बारे में हमने बताया, वो टॉपिक जो है वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। उसके बाद आपको लास्ट में कुछ ऑडियंस के लिए भी बोलना होता है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, या दोस्तों जो सिगरेट ट्रिक या हमने जो कुछ आपको इस वीडियो में पीछे बताया है, अगर आपको सारा कुछ अच्छा लगा हो तो उस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस प्रकार से आपको बोलना है। उसके बाद अगर आप अपने चैनल को प्रमोट करना है, जैसा कि दोस्तों ये सारा कुछ हर एक बंदा, चाहे बड़ा यूट्यूबर हुआ चाहे छोटा यूट्यूबर हुआ, सब्सक्राइब करने के लिए हर कोई बंदा बोलता है। तो आपको लास्ट जो पार्ट होता है वीडियो का, उसमें आपको ये भी बोल देना है कि अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो यार ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी प्रकार की इंटरेस्टेड वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। तो दोस्तों, एंड पार्ट में आपको ये भी डाल देना है। और बात करते हैं कि और क्या क्या डाल देना है। और दोस्तों, सबसे मेन पॉइंट होता है वीडियो में आपका, वो होता है कमेंट करवाने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको एंड में, आपको एंड पार्ट में, वीडियो के एंड पार्ट में आपको ये भी बोल देना है कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा है तो हमको कमेंट में ज़रूर बता देना। तो ऑडियंस के मन में जो भी आपके खातिर या आपकी जो वीडियो में अच्छा लगा होगा तो वो आपको कमेंट में भी बता देगा। तो कमेंट के लिए भी आपको बोलना चाहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना जिससे हर एक बंदे के पास ये वीडियो पहुँच सके। तो दोस्तों, लास्ट में आपको सारा कुछ बोल देना, जो भी आपने वीडियो में समझाया है, लाइक करने के लिए बोल दीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए, कमेंट करने के लिए बोल दीजिए। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आप एंड पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट भी बना सकते हैं। तो अगर दोस्तों आप एक परफेक्ट वीडियो बनाना चाहते हैं, अपनी फेस कैम वीडियो को एकदम बढ़िया क्वालिटी में बनाना चाहते हैं जैसा कि बड़े यूट्यूबर बनाते हैं, तो जो स्टेप हमने तीन स्टेप आपको बताए हैं इस वीडियो में, अगर तीनों को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपकी जो वीडियो है बहुत ही बेस्ट बनेगी। पहले आपका 40 सेकंड का इंट्रो हो जाएगा, उसके बाद वीडियो का मेन पॉइंट हो जाएगा, जो मेन पॉइंट होगा आपकी वीडियो का वो हो जाएगा, उसके बाद लास्ट पार्ट हो जाएगा जो हमने आपको बता दिया है, लाइक करने के लिए बोल दीजिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप एंड पार्ट जो वीडियो का होता है वो बना सकते हैं। तो अगर दोस्तों आप ये तीनों स्टेप फॉलो कर लेते हैं तो आपकी जो वीडियो है बहुत ही परफेक्ट बन जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पीछे सारा कुछ बता ही दिया, अगर आपको ये जो स्टेप हमने बताए ये अगर आपको अच्छे लगे हों, अगर ये फॉलो करना चाहते हैं, अगर आप ये पहले से ही फॉलो करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बता देना। अगर ये स्टेप अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो है ये हर एक नए यूट्यूबर के लिए इंपॉर्टेंट है जिससे वह अपनी वीडियो को परफेक्ट तरीके से बना सके, एकदम मस्त वीडियो को बना सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। और दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, साथ में जय हिंद।